औरंगाबाद जिला के अमुआ के रहने वाले सुजीत मेहता को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दिया। वो भी गोली मारा तो पीठ पीछे मारा है गोली, और उसी के आक्रोश में कुर्था में यहाँ कुर्था के लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं। और यहाँ पर देखिए कि सुजीत मेहता जो थे औरंगाबाद के अम्मा गांव के रहने वाले थे, और इनको हत्या कर दिया गया, हत्या पीठ पीछे किया गया है। और ये जनता के मसीहा थे और जनता के मसीहा को अपराधियों ने दिन दहाड़े मारा है। अभी आप देखिए आक्रोश में ये आक्रोश मार्च निकाला गया, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए हम लोग ये हत्या होकर के आज 4-5 दिन हो गया, और अभी तक ये उम्मीद कर रहे थे कि पुलिस प्रशासन अपना कार्य करेगी, लेकिन इसमें समाज के सभी साथियों को हर जिले में हर प्रखंड में निराशा हाथ लगी, इसलिए अब लोग इतना आक्रोशित हो गए हैं कि जगह जगह पर इसके लिए आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है, और हम लोग भी इसी चीज़ को लेकर के आक्रोश मार्च निकाले हैं। और प्रशासन और सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर आप इस पर जल्द से जल्द एक्शन नहीं लेते हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती है, हत्यारा को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो ये आगे चल करके बहुत ही उग्र प्रदर्शन होगा, और ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अभी से अभी आप ये इस चीज़ के लिए एक्शन लीजिए और सुजीत मेहता को न्याय दीजिए, उनके हथियारों को आप अरेस्ट करके फांसी के फंदे तक पहुंचाइए। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, सुजीत मेहता का हत्या कर दिया, लेकिन हत्या के स्थल पर नहीं वहाँ का स्थानीय प्रशासन पहुँचा और नहीं DSP SP पहुँचे, और इतने दिन हो गया लेकिन अभी तक अपराधी को पकड़ा नहीं गया है। और भी कुछ लोग हैं जो देखिए हाथ में बैनर लिए हुए हैं, सुजीत मेहता के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं है, किसी को अता पता नहीं है, जबकि सबको जानता। आज से कुछ साल पहले उनके पिताजी को भी ऐसे ही अपराधियों ने गोली मार करके हत्या कर दिया गया था, और इस सदमा से वो लोग उभरे ही थे कि उसके बाद सुजीत मेहता को हत्या कर दिया गया। और ये सुजीत मेहता रहे जिनको बैनर में आप देख रहे हैं, ये इनकी हत्या कर दिया गया है। और देखिए यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक सुजीत मेहता को हत्यारों को नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक ले आक्रोश मोर्चा जारी रहेगा। सुजीत मेहता अमर रहे। बोलिए क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र कुशवाहा। ये आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करेंगे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कि जो इस समाज के साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि टारगेट किया जा रहा है, इसको जल्द से जल्द, आज जो हम लोग कुर्था की धरती पर कुर्था विधानसभा की ओर से आक्रोश मार्च मेहता जी के लिए हम लोग कर रहे हैं, इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तारी के बाद उसको फांसी के तख्ता तक पहुँचाया जाए, तभी यह परंपरा जो है सिलसिला रुकेगा। कितना दिन हो गया अभी? लगभग उनका हत्या होकर के 4-5 दिन हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और ये हत्या सिर्फ एक हत्या नहीं है, एक बहुत ही राजनीतिक षड्यंत्र के तहत यह हत्या है, क्योंकि वो हमेशा शोषित वंचित पिछड़े गरीब गुरबा और बैकवर्ड समाज की आवाज़ को बुलंद करते थे, और एक हर जगह वो एक संदेश दिया करते थे हर युवाओं हर अभिभावक हर लोगों के लिए कि जब तक आप एक हाथ में कलम और एक हाथ में हथियार नहीं रखिएगा, आपको हर जगह से सामाजिक विहीन राजनीतिक विहीन आर्थिक विहीन कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आज सभी युवाओं सभी अभिभावक से भी मैं भी अपील करता हूं, उन्हीं की आवाज़ को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि आप एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में हथियार रखने के लिए तैयार रहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में आप इसी तरह से आपके समाज के लोगों को टारगेट कर करके हर जगह मार दिया जाएगा। इसलिए सभी एकजुट होकर के आवाज़ उठाइए, और ये प्रशासन और ये सरकार निकम्मी सरकार को भी मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि अगर अभी भी आप सचेत नहीं हुए तो आने वाले दिनों में आपको भी सत्ता विहीन कर दिया जाएगा। देखिए अभी कुर्था में लोग आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, हो सकता है कि और भी बिहार के कई प्रखंड में इसी तरह से आक्रोश मार्च लोग निकालेंगे अगर अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो। मैं अभी कुर्था में हूँ और कुर्था से आपको तस्वीरें दिखला रहा हूँ, हत्या जो हुआ है औरंगाबाद के रहने वाले सुजीत मेहता को हुआ। सुजीत मेहता एक बहुत अच्छे समाज सेवी थे और जनता के बीच में रहते थे, लोगों को सेवा करते रहते। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देख रहे हैं CKTV इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ कुर्था से। नमस्कार, जय हिंद।